नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना अंतर्गत तेवर में एक युवक सड़क किनारे मृत हालत में मिला। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण सड़क हादसा बताया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि तेवर के पास रोड किनारे एक युवक अचेत हालत में बाइक के साथ पड़ा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर देखा गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। बाइक के नंबर के आधार पर पतासाजी की तो मृतक की पहचान आनंद कुंज निवासी 40 वर्षीय आनंद तिवारी के नाम से हुई। बताया जा रहा है कि शव की कंडीशन देखकर एक्सीडेंट की आशंका जताई गई, लेकिन पुलिस दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है। यह भी बताया जा रहा है कि वह शराब दुकान में काम करता था। वहीं मध्य प्रदेश में ट्रेनों में यात्रियों के चोरी हुए मोबाइल की बरामदगी को लेकर नवनियुक्त रेलवे एसपी द्वारा आदेशित किया गया था, जिसके परिणाम भी अब सामने आने शुरू हो गए। जबलपुर जीआरपी ने 5 दर्ज मामलों में चोरी के मोबाइलों की रिकवरी की। पूरे मामले की जानकारी देते हुए जीआरपी थाना प्रभारी शशि ध्रुवे ने बताया कि ट्रेन में चोरों द्वारा यात्रियों के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया गया था, जिसकी शिकायत पीड़ितों द्वारा जबलपुर जीआरपी में की गई। इन्हीं मोबाइलों की रिकवरी के लिए जीआरपी पुलिस लगातार मशक्कत कर रही थी। इसके लिए उसने बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों की भी खाक छानी और प्रयागराज, भागलपुर, कटनी, मंडला में दबिश देकर चोरी गए मोबाइलों की बरामदगी की गई। जीआरपी थाना प्रभारी ने कहा कि चोरी की घटनाओं को लेकर जबलपुर जीआरपी सतर्क है, जिसको लेकर स्टेशन में फालतू घूमने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही, जिसके पीछे उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा पुख्ता करने और चोरी जैसी घटनाओं को रोकना है। जैसे कि पूर्व में भी हमने दो बार अभी मोबाइलों को किया, रिकवरी की है, ये तीसरी हमारी रिकवरी है। और 5 मोबाइलों की हमने की है। इसमें से हमने प्रयागराज से, भागलपुर से, कटनी से, मंडला से मोबाइल की रिकवरी की है। और अभी हम और अभियान चला रहे, जो स्टेशन में जैसे फालतू लोग घूमते हैं बिना उसके, उनको यात्री नहीं होते, उनके भी हम एक अभियान चला रहे हैं कि जो मतलब स्टेशन में बिना काम के घूमते हुए पाए जाते हैं, उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। किस प्रकार के मोबाइल चोरी किए हैं? ये सारे मोबाइल चोरी के मोबाइल हैं, हमारे मामले में पेंडिंग थे, ये लंबित मामलों में से थे जिनका हमने 5 मामलों में निकाल किया है। इसमें हमारे स्टाफ ने बहुत मेहनत किया, मतलब बिहार गए, यूपी गए, वहाँ से मोबाइल को लेके आए हैं। इनकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी? हाँ, पूर्व में इनकी चोरी की रिपोर्ट हमारे यहाँ पर दर्ज हुए थे, अपराध पंजीबद्ध थे, जो लंबित थे, जो इनका 5 मोबाइल में हमने 5 अपराध में हमने निकाल किया। सतना जिले में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक ऐसी माँ का 3 दिन पुराना शव उसके कमरे में पड़ा पाया गया, जिसका बेटा जिंदगी भर उसकी कमाई पर मौज उड़ाता रहा, लेकिन मौत के बाद अपनी माँ के अंतिम दर्शन करने भी नहीं पहुँचा। उसके अंतिम संस्कार का प्रबंध भी अन्य लोगों ने किया। घटना सतना जिले के अमरपाटन की है। अमरपाटन के सरकारी अस्पताल में पदस्थ रही रिटायर्ड नर्स कलावती वर्मा की मौत हो गई। उसका शव मदर्स डे की शाम को उसके कमरे में फर्श पर पड़ा पाया गया। शव से दुर्गंध आ रही थी और देखने से यह प्रतीत हो रहा था कि कलावती की मौत 2 या 3 दिन पहले ही हो गई थी। उसके कमरे की तरफ लोगों का ध्यान तब गया जब वहां से आ रही तीव्र दुर्गंध लोगों को महसूस होने लगी। पड़ोस के लोगों ने झांक कर देखा तो कलावती फर्श पर मृत पड़ी थी। सूचना मिलने पर पहुंची अमरपाटन थाना पुलिस ने पंचनामा बनवाकर शव को उठवाया और मर्चुरी में भेजा। वहीं डिंडौरी जिले में बारातियों से भरा लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। लोडिंग में 30 से 35 बाराती सवार थे। दुर्घटना में 30 बाराती घायल हुए हैं, उन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाराती डिंडौरी थाना क्षेत्र के पिंडरुखी गाँव में गई थी, जहाँ से लौटते वक्त यह हादसा हो गया। घटना के बाद से ड्राइवर फरार है। जिला अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घायल बोले, ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और वह मौके से फरार हो गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शिलान्यास मंत्री बताया। कमलनाथ ने कहा, वे मुख्यमंत्री के साथ साथ शिलान्यास मंत्री भी हैं। जहां भी जाओ शिलान्यास करो, वे जेब में नारियल लेकर घूमते हैं, झूठ और घोषणा की मशीन बने हुए हैं। कमलनाथ ने यह बात सोमवार को भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित केवट समाज के सम्मेलन में कही। सम्मेलन से पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा, भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटक की तरह
मध्य प्रदेश में भी असर दिखेगा। यह बहुत सफल यात्रा रही। हारी हुई विधानसभा सीटों पर पहले टिकट घोषित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम सबसे चर्चा करेंगे, कोई सोचे कि टिकट के लिए प्रभावित कर लेगा तो मुझे कोई दबा नहीं सकता, मुझे कोई पटा नहीं सकता, हम स्थानीय संगठन से चर्चा करेंगे, निर्णय करेंगे। इस दौरान सागर से बीजेपी के पूर्व पार्षद और सागर जिला कुशवाहा समाज के जिलाध्यक्ष अशोक कुशवाहा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कमलनाथ ने कहा, कल सागर में कुशवाहा समाज का कार्यक्रम था, ये उसी का परिणाम है। हमारी नारी सम्मान योजना को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कौन किस पर विश्वास करता है, यह बहुत बड़ा मुद्दा होगा। इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश का अगला चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी के प्रचार से अब वोटर्स का पेट भरने लगा है। ने बार बार कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है हम उसका पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो भी संस्था हो या व्यक्ति हो, ये नफरत की राजनीति या विवाद की राजनीति पैदा करे, बांटने की करे, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, एक दफा नहीं 10 दफा उन्होंने कहा है। तो क्या था कांग्रेस के वचन पत्र में भी घुसी को करेंगे कि बजरंग दल को लेकर पहल लगा? देखिए, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, हम टारगेट करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिन संस्थाओं को और जो, तो ये गिल्टी क्यों फील करे कोई कि हमें टारगेट करेंगे, इसका मतलब आप कर रहे हैं। आप क्यों बजरंग दल का नाम ले रहे हैं कि आप सोचते हैं कि ये कर रहे हैं ना, आप इसीलिए पूछ रहे हैं, नहीं तो आप ये पूछते नहीं। आप तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं ऐसा। देखिए, आज झूठ की मशीन, घोषणा की मशीन, हाँ शिवराज जी बने हुए हैं, ये मुख्यमंत्री पता नहीं है या नहीं है, मुख्यमंत्री तो हैं पर साथ साथ शिलान्यास मंत्री है, हाँ जहां जाओ शिलान्यास जेब में नारियल लेके घूमो। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।